बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द आई। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलमोस्ट डन, बट अ फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू द रॉड्स एंड कोन्स विच आर द फोटो रिसेप्टर्स एंड द फंक्शन ऑफ द आई आर रिमेन्ड इनकम्प्लीट। So today we are going to complete it. So in when last lecture resumed, we were discussing about the photoreceptors which are present in the retinal layer of the eye. The innermost and the most sensitive layer of the eye is called the retinal layer. Or there are two types of cells and receptors present in this layer. These cells are called the rods and the cones. I had already explained that rods are the receptors which are straight and rod shaped, and they are located in the on the sides of the lower layer of retina. ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि रेटिना जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसके साइड्स के ऊपर जो है वो रॉड्स होते हैं। दे आर दे कैन फंक्शन अंडर कंडीशन ऑफ लो इल्यूमिनेशन, कम लाइट में ये काम करते हैं। दे हैव एक्सेलेंट कैपेसिटी फॉर रिसीविंग सेंसेशन ऑफ वाइट ब्लैक फ्लैश एंड ब्राइटनेस। ये जो है ये ब्लैक वाइट एंड ग्रे कलर को देख सकते हैं, और बाकी कलर्स जो हैं ये दीज थ्री आर एक्चुअली नो कलर्स, नॉट कलर्स। ब्लैक जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स होता है, और वाइट जो है वो जब सेवन कलर्स मिलकर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो वाइट लाइट होती है। तो दोनों ये इन ट्रू सेंस आर नॉट कलर्स। वाइट और ब्लैक को मिक्स करें तो ग्रे कलर बनता है, तो इसलिए ये जो कलर्स हैं ये तीनों कलर्स नहीं हैं। तो कलर्स जो हैं थ्री कलर्स आर द बेसिक कलर्स, रेड ग्रीन एंड येलो। ये बेसिक कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। सो रॉड्स आर द रिसेप्टर्स विच कैन फंक्शन इन लो लाइट, लो इल्यूमिनेशन। दे कैन नॉट सी कलर्स, they have sensation of gray, white and black hues. Now coming towards the cones jo hain ko receptors of color vision bhi kaha jata hai. These receptors are conical shaped, cone yani upar se broad aur niche se thin hote hain. Ye triangular shape hoti hai inki. They can detect the all type of colors. They are located in the lower part of the retina, fovea, जिसके बारे में हमने last lecture में भी बात की थी। Central point of the retina is fovea. यहाँ पर maximum cones होते हैं, और ये cones जो हैं ये bright light में काम करते हैं, कम light में ये function नहीं कर सकते। That's why we cannot recognize or discriminate colors in low light, low illumination. There is a spot near the retinal center where their presence is 100%. This spot is called fovea or yellow spot. We have already discussed it in the previous lecture ke central point jo hota hai retina ka, jo darmiyani hissa hota hai, wahan par 100% cones hote hain, yahan rods hote hi nahi hain. To is area ko yellow spot or fovea kehte hain, and this is the point of clear vision. Cones can detect things in adequate light. Adequate कहते हैं काफ़ी सारी, बहुत सारी अच्छी लाइट होती है तो ये जो है ये काम करते हैं। Hence they are also called the cells of diurnal vision. और जो rods हैं they are called the cells of nocturnal vision. Nocturnal कहते हैं night vision, रात के वक्त को देखना, और diurnal का मतलब होता है daylight vision, जो ज़्यादा रोशनी की विजन होती है। तो ये diurnal vision के receptors हैं, और rods जो हैं वो nocturnal vision के receptors होते हैं। तो ये जो है ये मतलब दो उसके हैं, दो रिसेप्टर्स हैं। अब ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ब्लैक और वाइट के सेंटर में आप देखें तो आपको ग्रेइश डॉट्स महसूस होते हैं। तो क्यों महसूस होते हैं ये ग्रेइश डॉट्स? बिकॉज वाइट और ब्लैक कलर जब मिक्स होता है तो ये सेंसेशन देता है ग्रे कलर की, और ये हमें बताता है कि हमारे रॉड्स ठीक काम कर रहे हैं। रॉड्स अगर ख़राब हो जाएँ तो एक बीमारी हो जाती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ऐसे लोग जो हैं जैसे ही अंधेरा होने लगता है, शाम होती है, सूरज ढलता है, तो इनको नज़र आना बंद हो जाता है। तो ये जो है ये टेबल आपको ये शो कर रहा है कि आपके जो ग्रेइश डॉट नज़र आता है, इट मींस योर रॉड्स आर वर्किंग प्रॉपरली।
तो दैट्स वाई यू कैन सी सर्कल ऑफ ग्रेइश कलर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर स्ट्रक्चर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई. इन फैक्ट दिस स्ट्रक्चर इज़ अ कनेक्टर ऑफ आई विद द CNS. आँख को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. द ऑप्टिक नर्व पासिस नियर द नोज एट द बैक ऑफ द आई एंड देन गेट्स अटैच्ड टू द रेटिना. हमारी नाक के पिछले हिस्से से एक आँख से निकलता है और ये तिरछा होकर बिकॉज राइट साइड ऑफ द आई जो है वो कंट्रोल हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से, तो ये तिरछा होकर राइट आई से लेफ्ट ब्रेन के पार्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरफ जाता है और ये वहाँ से होकर ये हमारी ऑप्टिक नर्व जो कि सॉरी ऑक्सीपिटल लोब जो कि ब्रेन के पिछले हिस्से में है जिसका ताल्लुक जो है वो विजन से है, इसके बारे में आप नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ये वहाँ पहुँचता है. तो होता क्या है, इट डिटेक्ट्स एवरी इमेज ऑन द रेटिना. जो ऑप्टिक नर्व है वो इतना सेंसिटिव होता है कि जो भी इमेज रेटिना के ऊपर बनता है क्लियर हो या ना हो वो उसको फौरन पिक करता है, डिटेक्ट करता है एंड देन कैरीज इट टू द ऑक्सीपिटल लोब एट द बैक ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का पिछला हिस्सा जो कि ऑक्सीपिटल लोब होती है वहाँ पहुँचाता है. द इन्वर्टेड इमेज फोकस्ड ऑन द रेटिना गेट्स अपराइट व्हेन द ऑप्टिक नर्व कैरीज इट टू द ब्रेन एंड द प्रोसेस ऑफ विजन इज कम्प्लीटेड. इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा, तो इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है, यानी अगर हम किसी इंसान को स्ट्रेट देख रहे हैं सर तो ऊपर होगा पैर उसके नीचे होंगे, लेकिन उसका जब इमेज बनेगा तो उसका सर नीचे और पांव ऊपर बनेगा, लेकिन वो अपराइट कहते हैं सीधा होना. जैसे ही वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है वो फौरन अपनी नॉलेज की वजह से या अपनी एबिलिटी की वजह से उसको स्ट्रेट परसीव करता है, उसको सीधा समझता है और जो विजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. यानी जो कुछ भी हम देखते हैं उसका अक्स या इमेज जो बनता है आई पर वो इन्वर्टेड इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, लेकिन जब वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पहुंचता है तो वो अपराइट परसीव होता है, उसको अपराइट समझा जाता है. तो ये जो है ये एक बहुत मैजिकल प्रॉपर्टी है ह्यूमन आई की, या ऑल जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी आँखें ऐसे ही काम करती हैं और अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि वो सीधा बनता है. इसका एक एग्जांपल आपको यूं दी जा सकती है कि सेल्फ़ी जब आप बनाते हैं, अगर कोई चीज़ लिखी हुई होती है जैसे आपके कपड़ों पर कुछ लिखा हुआ है या बैकग्राउंड पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो उल्टा आता है वो. अगर आप बनाकर देखें फ्रंट कैमरा से जो भी आप पिक्चर लेंगे वो आपकी इन्वर्टेड जो लिखी हुई चीज़ें होंगी वो इन्वर्टेड होंगी. तो लेकिन आप जब उसको देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है. तो ये भी एक तरह से परसेप्शन है कि आप उसको इन्वर्टेड जो चीज़ होती है उसको अपराइट परसीव करते हैं, समझते हैं. उसके बाद जी आगे आए आप, ये एक टेबल है जिसमें रॉड्स एंड कोन्स की जो है वो वजाहत है. जो रॉड्स हैं ये क्या इनके फीचर्स हैं, हाईली सेंसिटिव टू लाइट, यानी ये बहुत थोड़ी लाइट में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, रात के वक्त की विजन जो है इनसे होती है. रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस, तो ये इल्यूमिनेशन को परसीव करते हैं लेकिन जो है डार्कनेस में देखने के काबिल बनाते हैं. लोकेशन इनकी क्या है, कहाँ ज़्यादा होते हैं, मिसिंग फ्रॉम द फोविया, जो सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना का जिसको फोविया कहते हैं ये वहाँ नहीं होते. कॉन्सेंट्रेटेड जस्ट आउटसाइड द फोविया, फोविया के किनारों की तरफ ये बाहर की तरफ इनकी लोकेशन होती है, ये ज़्यादा होते हैं. उसके बाद आते हैं कनेक्शंस, इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं. टिपिकली मैनी रॉड्स कनेक्ट टू अ सिंगल बाइपोलर सेल. अब ये होता है जैसे इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे आपके पास लाइट्स हों और बहुत सारी लाइट्स का एक गुच्छा बनाकर एक बड़ी तार के साथ आप अटैच कर दें तो वो उस एक तार से बहुत सारे जो हैं वो जलेंगे. इनके अलग अलग कनेक्शंस नहीं होते और एक के साथ जलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट वो नहीं देते फिर, यानी ये जो है ये बंडल्स या गुच्छों की सूरत में होते हैं और एक बहुत सारे रॉड्स का एक गुच्छा जो होता है वो एक बाइपोलर सेल यानी एक वायर के साथ अटैच होकर ब्रेन की तरफ जाता है. क्योंकि वो इकट्ठे होते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ अंधेरे में जो है वो स्टिमुलेट करते हैं ऑप्टिक नर्व को. अब आ जाएं आप कोन्स की तरफ. कोन्स जो हैं ये मॉडरेटली सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट को बहुत तेज़ रोशनी में देख सकते हैं, कम रोशनी में ये नहीं देख सकते. मोस्ट यूज़फुल इन डे लाइट,
यानी अभी जैसे आपको मैंने बताया कि रॉड्स जो है वो नॉक्टर्नल विजन के सेल्स होते हैं एंड द कोन्स आर द रिसेप्टर्स ऑफ डे लाइट विजन या डायर्नल विजन, दिन के वक्त देखने में मदद देते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है. इनकी वजह से हम कलर्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं. ये ना हो तो कलर ब्लाइंड हो जाता है इंसान, उसको रंग नज़र नहीं आते या कोई रंग नज़र नहीं आता या फिर कोई एक या दो कलर्स वो नहीं देख सकता. अब इनकी लोकेशन क्या है? लोकेटेड मेनली इन फोविया, जो दरमियानी हिस्सा होता है रेटिना का, सेंट्रल पोर्शन विच इज़ कॉल्ड येलो स्पॉट और फोविया, वहाँ पर ये मैक्सिमम होते हैं, 100% होते हैं येलो स्पॉट में. कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द फोविया, फोविया के सेंटर में ये बस ज़्यादा इसकी इनकी तादाद होती है. कनेक्शंस क्या हैं इनके? इन द फोविया टिपिकली ओनली अ सिंगल कोन कनेक्ट टू अ सिंगल बाइपोलर सेल, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बल्ब और एक तार, अगला बल्ब और एक और तार, एक और बल्ब और एक और वायर. यानी इनके कनेक्शंस जो है वो इंडिविजुअल होते हैं, जबकि इनके प्राइवेट कनेक्शंस होते हैं. हर एक जो कोन है वो एक अलग नर्व के ज़रिए ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि रॉड्स जो हैं उनके कंबाइंड कनेक्शंस होते हैं. बहुत सारे रॉड्स एक तार के ज़रिए, एक सेल के ज़रिए ब्रेन के साथ ज्वाइन होते हैं. आई होप आपको काफ़ी इसकी समझ आ गई होगी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज. और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं. आप एक दफ़ा फिर देख लें इसको कि टाइप क्या है इनकी. रॉड्स हैं, टाइप का सेल, टाइप ऑफ सेल का नाम है, फिर फीचर्स एंड फंक्शंस इनके क्या हैं, फिर इनकी लोकेशन क्या है, और फिर कनेक्शंस इनके कैसे होते हैं. तो रॉड्स और कोन्स की ये एक्सप्लेनेशन है. तो ये आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. तो अब हम आते हैं अगला टॉपिक, हाउ वी सी एंड व्हाट वी सी. पहले मैं आपको आपकी बुक से समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको जो स्लाइड्स हैं उनको देखते हैं. जी, एनीथिंग व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट, वी कैन सी एनीथिंग व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ इट एंटर्स आर आई. किसी भी चीज़ से लाइट जब मुनक्किस होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं. विजुअल प्रोसेस कैसे होता है? विजुअल प्रोसेस है, ड्यूरिंग विजुअल प्रोसेस लाइट वेव्स पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. अब ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये कॉर्निया आई बॉल है. इसका अगला वाला कर्व्ड पोर्शन जो है वो आपका कॉर्निया होता है, जो कि आगे से ग्लास लाइक होता है. वहाँ से लाइट की वेव्स जो हैं सबसे पहले अंदर जाती हैं. देयर अपॉन दीज वेव्स स्लोली ट्रेवलिंग थ्रू द एक्वस ह्यूमर रीच द प्यूपल. आपको याद होगा जो ये आगे वाला हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसके और प्यूपल के दरमियान में एक फ्लूइड या एक पानी होता है, केमिकल होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं. इसमें से गुजर कर ये जो हैं ये प्यूपल में पहुंचती हैं, आंख की पुतली में. जो आप बहुत वसाहत के साथ इसको बताया जा चुका है कि एक छोटा सुराख होता है जो कि एक मेम्ब्रेन आयरस के दरमियान के पीछे होता है. आयरस के सिकुड़ने और फैलने से ये सुराख छोटा और बड़ा हो जाता है. तो लाइट जो है वो पहले कॉर्निया से अंदर आकर प्यूपल के थ्रू एडजस्ट होती है. तेज़ रोशनी होगी तो प्यूपल छोटा हो जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक रोशनी अंदर जाएगी, और कम रोशनी में प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ जो है वो डायलेट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा रोशनी जो है वो आँख के अंदर जाएगी. यहाँ से ये होती हुई फिर क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ आयरस द प्यूपल एडजस्ट टू कंट्रोल द क्वान्टिटी ऑफ लाइट. इफ़ देयर इज़ टू मच लाइट द आयरस डायलेट्स सो दैट टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल. आयरस जो है वो फैल जाता है ताकि प्यूपल छोटी हो जाए. और इन केस ऑफ लो इल्यूमिनेशन द आयरस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डस द प्यूपल डायलेट्स. आयरस जो है वो श्रिंक होता है और प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है, डायलेट यानी चौड़ा हो जाना. टू प्रोजेक्ट एडिक्वेट लाइट ऑन टू द लेंस. ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ताकि जो आगे लेंस है उसके ऊपर लाइट जो है वो इतनी पड़े कि अक्स बन सके. ठीक है जी. अब यानी लाइट जो है वो कॉर्निया से एंटर हुई है, प्यूपल से गुजर कर अब वो कहाँ आई है? लेंस पर. द लेंस विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट्स कॉन्वेक्सिटी. ये भी आपको वजाहत से बताया हुआ है पहले कि जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो जो है वो लेंस जो है वो किनारों से पतला हो जाता है, यानी उसका लंबा हो जाता है, मोटाई उसकी कम हो जाती है, कॉन्वेक्सिटी कम हो जाती है, वो
नोकीला हो जाता है, और अगर हम करीब की चीज़ को देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो चीज़ के और देखने वाले के फासले को देखते हुए लेंस के साइज़ को एडजस्ट करते हैं। देन द लाइट वेव्स पासिंग थ्रू द विट्रियस ह्यूमर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। अब क्या होता है कि जो अक्स होता है वो उल्टा बनता है रेटिना के ऊपर, जब लेंस के ऊपर से फोकस होता है तो रेटिना के ऊपर वो इमेज जो है वो उल्टा या इन्वर्टेड बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दरख्त देख रहे हैं तो उसकी जो शाखें होंगी वो नीचे को और तना ऊपर को उसका जब बनेगा इमेज बनेगा। लेकिन हैविंग गॉन थ्रू केमिकल चेंजेस दिस इमेज गेट्स अपराइट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व ड्यूरिंग द वेरी प्रोसेस ऑफ रीचिंग द ऑप्टिक ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब में जब ये अक्स पहुंचता है, सेंसेशन पहुंचती है, तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। वहां पहुंचते ही जो सेंसेशन होती है, जो पहचान होती है, वो अपराइट होती है, सीधा हम समझते हैं। दरख्त का तना ऊपर और सॉरी शाखें ऊपर और तना नीचे ही हमें महसूस होता है, जो कि एक्चुअली होता है। इन दिस वे द विजुअल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड व्हेन द इमेज रीचेस द ऑक्सीपिटल लोब। तो जब अक्स जो है वो ऑक्सीपिटल लोब में पहुँचता है तो सेंसेशन पैदा होती है, यानी हम उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर ऑक्सीपिटल लोब काम नहीं कर रही तो आँख के तमाम हिस्से ठीक होने के बावजूद, इमेज बनने के बावजूद हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैसेज तो चला जाएगा लेकिन वो डिकोड नहीं होगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए ये जो है बहुत ज़रूरी है नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है ऑप्टिक कियाज़्मा के बारे में, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, द ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द लेफ्ट साइड एक्सटेंड टू द राइट हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये आपकी लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई से जो ऑप्टिक नर्व बैक से आ रहा है, आप देखें कि वो क्रॉस करता हुआ राइट हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है, और इसी तरह से राइट आई से जो ऑप्टिक नर्व है वो क्रॉस करता हुआ लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। तो क्योंकि आईज जो राइट साइड पर हैं उनको कंट्रोल तो उसके ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रेन ने करना है, इसलिए वहाँ से जो नर्व्स हैं वो प्रोजेक्ट होती हैं लेफ्ट साइड पर। तो द ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द लेफ्ट साइड एक्सटेंड टू द राइट हेमिस्फीयर एंड दोज ऑफ द राइट साइड ऑफ द आई एक्सटेंड टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पॉट वेयर दीज ऑप्टिक नर्व्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहते हैं क्रॉस करना, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक कियाज़्मा। ये यहाँ पर आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्टिक कियाज़्मा, ये यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर राइट साइड ऑफ आई से जो नर्व है वो लेफ्ट साइड ऑफ आई के नर्व के साथ क्रॉस करती है, कट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज़्मा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पॉइंट है जहाँ पर दोनों आँखों के इमेज एक होते हैं। अगर ये ना हो तो ऑप्टिक कियाज़्मा तो हमें दो दो चीज़ें नज़र आती, ज़ाहिर है उसके इमेज दो बनते ना। अगर आप एक दरख्त देखते हैं तो आपकी एक आँख पर भी दरख्त बनता, दूसरी पर भी, ब्रेन को भी ये अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन जाती तो हमें एक की बजाय दो दरख्त नज़र आते। लेकिन ऑप्टिक कियाज़्मा पे ये दोनों इमेजेस जो हैं ये मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं। तो ये है आँख का फंक्शन, और इसकी एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो रॉड और कोन की है वो है कि अबाउट 125 मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड 6.4 मिलियन कोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेटिना। रॉड्स अलाउ अस टू सी इन ब्लैक एंड वाइट, कोन्स प्रोवाइड कलर विजन। ये भी रॉड्स एंड कोन्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और ग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं या इसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। अब जो है ये लेफ्ट लाइट फर्स्ट पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ये अभी फिर प्रोसेस दोबारा बता रही हूँ। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ अलाउड टू एंटर इज़ कंट्रोल्ड बाय द मसल कॉल्ड द आयरिस। ठीक है, ये बता चुकी हूँ आपको। द एक्चुअल ओपनिंग इन द आयरिस इज कॉल्ड द प्यूपल। द लेंस एडजस्ट टू द इमेज बाय चेंजिंग इट्स थिकनेस। द थिकनेस परमिट्स अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द रेटिना। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। और अब जो है वो हम पढ़ेंगे
फंक्शंस ऑफ आई। फंक्शंस क्या हैं आई के? आँख के फंक्शंस हैं तीन, पहला है कॉन्जुगेशन, कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स द मूविंग टुगेदर ऑफ बोथ आईज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन। दोनों आँखों का मूव करना दूर की चीज़ों को देखने के लिए। इसके जो हैं वो दो टाइप्स हैं, सेकेड्स एंड परसुएट। सेकेड्स क्या होते हैं? एनी मूवमेंट इन इन विच वी सडनली शिफ्ट आई फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर इज़ नोन एज सेकेड्स। एक चीज़ देखते हैं फिर अगली चीज़ देखते हैं फिर अगली चीज़ देखते हैं, जैसे बुक रीडिंग में आप एक वर्ड देखते हैं फिर अगला फिर अगला फिर अगला, दिस इज़ कॉल्ड सेकेड्स। ये हमारी आँख का फंक्शन है। दूसरे इसकी जो टाइप है वो है परसुएट। परसुएट कहते हैं फॉलो करना, किसी चीज़ का पीछा करना। इन दिस मूवमेंट द इंडिविजुअल कीप्स वॉचिंग द मूविंग स्टिमुलस एंड कंटिन्यूस ट्रैकिंग इट विच एवर डायरेक्शन इट मे मूव। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी भी चीज़ भाग मूविंग चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखें उसको फॉलो कर रही होती हैं, उसके पीछे पीछे जा रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं परसुएट। थर्ड सेकेंड जो है फंक्शन ऑफ द आई, दैट इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस रिफर्स टू द आई मूवमेंट्स इन विच द आईज आर फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मूविंग क्लोजर एंड रिमेन फिक्स्ड ऑन इट डिस्पाइट इट्स मूवमेंट। आई ऑल्सो टर्न इनवर्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आई मूवमेंट आई बॉल मूव करते हैं, करीब कुछ की चीज़ को देखते हुए हमारी आँखें जो हैं वो अंदर की तरफ झुक जाती है, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। फिर है जी अकोमोडेशन, ये एक और इसकी वो है फंक्शन है। और अकोमोडेशन जो है उसका क्या मतलब होता है? द चेंज इन, ये पढ़ चुके हैं आप, द चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपल इन प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अकोमोडेशन। रोशनी की जो शिद्दत है उसके मुताबिक प्यूपल के साइज में का छोटा होना या बड़ा होना, ये अकोमोडेशन होती है। द डायलेशन ऑफ द प्यूपल इन डार्कनेस एंड इट्स कंस्ट्रिक्शन इन द लाइट आर ड्यू टू अकोमोडेशन, के प्यूपल के साइज़ का अंधेरे में जो है वो बड़ा हो जाना और रोशनी में छोटा हो जाना जो है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो है वो आपको मैं ये एग्जांपल है डार्क अडेप्टेशन की, कि ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें जो ये वाली है कंस्ट्रिक्टेड जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये प्यूपल साइज़ छोटा हो गया है किस वक्त? जब लाइट ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ डायलेशन ऑफ प्यूपल साइज़ इन डार्कनेस। कम रोशनी में अंधेरे में प्यूपल साइज़ इतना बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी इसके अंदर जा सके। तो ये जो है ये टॉपिक आपका आई का कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रीफ जो है थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाकी तीन सेंसेशंस का दे देती हूँ, वो आप समझ लें। एक जो है वो है अब यहाँ पर जो है ना आपकी बुक में ये आएगा आगे, और इसके बाद एयर है, एयर के ऊपर मैंने पूरा एक और लेक्चर देना है, तो इस वजह से मैं अभी आपको जो है वो ये वाली सेंसेशंस बता रही हूँ। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन पेज नंबर 92। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन कहते हैं जिसका ताल्लुक स्मेल के साथ होता है। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन इज इम्पॉर्टेंट इन दैट इट हेल्प्स अस टू डिटेक्ट गैसेज इन द एयर। इट्स सेंसरी ऑर्गन इज द नोज एंड इट्स स्टिमुलस इज स्मेल। नाक के ज़रिए हम स्मेल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंस ऑफ स्मेल। द टू नेजल नॉस्ट्रल्स कैरी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल टू द ब्रेन। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल्फैक्टरी नर्व्स। नर्व्स होते हैं जो कि नाक के अंदर होते हैं, और ये जो है ये हमारी जो केमिकल सेंसेशन होती है स्मेल की उसको ब्रेन में लेकर जाते हैं और हम चीज़ों को स्मेल करते हैं। और द नेज़ल रूफ कंटेन्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड नेज़ल नर्व्स। जो हमारी नाक के नथने हैं इनकी जो रूफ़ होती है ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर एक ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें नेज़ल नर्व्स कहते हैं। दीज नर्व्स आर स्टिमुलेटेड बाय प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल। द स्मेल इज कैरिड टू द ब्रेन। जो स्मेल है वो इनको मुतासर करती है और ये इस सेंसेशन को लेकर ब्रेन में जाते हैं, और हमारी टेम्पोरल लोब जिसका ताल्लुक जो है वो सेंस ऑफ स्मेल से है वहाँ ब्रेन में पहुँचाते हैं। ये एक इसकी और डायग्राम है, ये देखें कि ये एक इंडिविजुअल जो है वो रोज़ जो है उसको स्मेल कर रहा है, उसके नाक के अंदर से जो है वो नेज़ल जो नर्व्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर
ये जो जहाँ एरो ब्लैक नज़र आ रहा है ये टेम्पोरल लोब यहाँ पर लाते हैं और हम जो है वो उस स्मेल को महसूस करते हैं। अगर कोई बैड स्मेल हो तो भी उसको भी ऐसे ही फील किया जा सकता है। एक और सेंसेशन जिसका नाम है गस्टेशन, गस्टेशन जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट होती है। ये क्या है? गस्टेशन प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्वीट सॉर बिटर एंड पॉइजनस थिंग्स, यानी मीठा खट्टा कड़वा नमकीन या फिर जहरीली चीज़ों के बारे में हमें अपनी इस सेंसेशन से पता चलता है। द टंग इज़ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ गस्टेशन, इट इज़ लॉन्ग एंड ओवल इन शेप। द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट एंड इट्स अदर फंक्शंस रिलेट टू स्पीकिंग, ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है, समझती है या महसूस करती है और बोलने में मदद देती है। द रिसेप्टर सेल्स फॉर टेस्ट आर लोकेटेड इन द रियर ऑफ द टंग, जो हमारी टंग है जुबान उसके बैक साइड के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। दे रिजेंबल इंग्लिश लेटर वी, दीज नर्व्स आर नेम्ड पेपिली, वी की तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी आगे ये चौड़ा होता है और पीछे जो है वो तंग हो जाता है और इनको पेपिली कहते हैं। और इन पेपिली के अंदर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ टेस्ट बड्स, दीज सेल्स कैन डिटेक्ट टेस्ट। पेपिली के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, जायका महसूस करने के सेल्स होते हैं और ये तीन तरह के होते हैं, टेस्ट थ्री टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो स्वीट सॉर यानी मीठा खट्टा, बिटर यानी कड़वा और सॉल्टी, ये तीन फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कि जो बिटर टेस्ट होता है वो एट द बैक ऑफ टंग होता है, हमारी ज़बान का जो लास्ट एंड जो हलक के करीब पार्ट होता है वहाँ पर हम कड़वा महसूस करते हैं। अगर हम कोई कड़वी चीज़ खा लें तो हमें फौरी तौर पर पता नहीं चलता, जब तक हम उसको निगलने के करीब होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कड़वी है, इसलिए कि उसके रिसेप्टर्स एंड पे होते हैं। स्वीट के जो हैं वो ज़बान की टिप के ऊपर होते हैं और सॉर के जो हैं और सॉल्टी के दोनों साइड्स जो हमारी टंग के होते हैं, यानी जो अगला हिस्सा है ज़बान का जो टिप होती है वहाँ पर स्वीट महसूस करने का के सेल्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। जो एंड ऑफ द टंग है, रियर एक्सट्रीम रियर पार्ट ऑफ द टंग, वहाँ पर जो है वो बिटर या कड़वा महसूस करने के सेल्स होते हैं और बोथ साइड्स ऑफ द टंग जो है वहाँ पर सॉल्टी एंड सॉर यानी खट्टा और नमकीन जायका हमें महसूस होता है। तो ये जो है ये टंग की एक्सप्लेनेशन है। द फ्रंट एंड रियर पार्ट आर रिलेटेड टू स्वीट एंड बिटर टेस्ट, वेयर एज द एंड ऑफ बोथ साइड्स आर सेंसिटिव टू टेस्ट ऑफ टेस्ट एंड द एंड ऑफ द फ्रंट डिटेक्ट सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। तो ये जो है ये महसूस होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? द सब्सटेंस हैविंग टेस्ट, द सब्सटेंस हैविंग टेस्ट यानी हम अपनी ज़बान पर जब कोई चीज़ रखते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है प्रोड्यूसेस केमिकल रिएक्शन ऑन द टेस्ट बड्स, क्योंकि वहाँ पर स्लाइवा भी होता है, पानी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लूड होता है जिसे स्लाइवा कहते हैं, ये उसके साथ मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। हेंस दे प्रोड्यूस स्टिमुलेशन व्हेन दे आर डिसॉल्व इन अ लिक्विड, तो जैसे ही वो डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं स्लाइवा में, तो ये स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पर मौजूद टेस्ट बड्स को। सिमिलरली दे स्टिमुलेट टेस्ट बड्स वेयर दे जनरेट न्यूरल इम्पल्सिस दैट ट्रेवल थ्रू द थैलेमस टू द टेस्ट एरिया ऑफ सेरेब्रम विच इज़ द टेम्पोरल लोब। तो ये वहाँ से जैसे ही टेस्ट बड्स जो हैं ये मुतासिर होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को फॉरन नर्व्स के थ्रू ब्रेन के टेम्पोरल लोब में पहुँचा देते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो है वो इस चीज़ का टेस्ट क्या है, खट्टा है मीठा है नमकीन है या कड़वा है। तो ये इसका फंक्शन है। ये एक और डायग्राम से भी मैं आपको बता देती हूँ। ये टंग है, ये देखें स्वीट है, फिर सॉल्टी है, फिर सॉर है और फिर बिटर, ये इसका एरिया है। और ये यहाँ से जब केमिकल जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है और हम उस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं एक और सेंसेशन, दैट इज़ द क्यूटेनियस सेंसेशन, इसको हम स्किन सेंसेशन भी कहते हैं। तो इसकी एनाटॉमी यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है? द क्यूटेनियस सेंसेशन इज़ कॉल्ड द सेंस ऑफ टच, द स्किन इन इज़ इट्स सेंसरी ऑर्गन, स्किन जो है इनफैक्ट इज़ द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है वो स्किन है क्योंकि पूरी बॉडी पर स्ट्रेच होती है।
इट इज़ लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ मेम्ब्रेन, पूरी बॉडी में होती है और इसके थ्री लेयर्स होती हैं, इट हैज़ सेवरल लेयर्स, तो यहाँ पर इसकी जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स जो है उनके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास बुक है उसमें बुक की बाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, पेजेस आगे पीछे हैं, ये पेज नंबर है 93 और मेरे पास जो बुक में अगला पेज है वो 90 आ रहा है, 90 है, फिर 91 है, फिर 88 है, फिर 89 है और फिर आगे 94 है, तो 94 पेज जो है उसके ऊपर जो है वो स्किन की लेयर्स हैं, इसकी जो है वो चार लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, मेल्फिगियन लेयर, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। तो इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इनका ब्रीफ एक हम जो है वो इंट्रोडक्शन। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है अबव, डर्मिस ये एक लेयर है स्किन की उसके ऊपर, दिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन दैट इज़ मेड ऑफ ड्राई सेल्स, ये जो लेयर होती है ये डेड होती है, इस ये मतलब इसमें रिसेप्टर्स नहीं होते। व्हेन दीज सेल्स रिसीव नो न्यूट्रिशन दिस लेयर कंटेन्स नीदर नर्व्स नॉर एनी ब्लड वेसल्स, ना यहाँ पर ब्लड वेसल्स या खून की सप्लाई होती है ना यहाँ नर्व्स होते हैं। आप उसको खींच कर देखें अपनी स्किन के ऊपर वाले हिस्से को, तो ये जो है ये बिल्कुल डिवॉइड ऑफ सेंसेशन होता है, अगरचे इसके नीचे सेंसेशन होती है लेकिन ये जो है ये डेड होती है। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन, देयर आर पोर्स ऑल ओवर दिस लेयर ऑफ द स्किन, बेशुमार छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये सुराख जो हैं ये दीज पोर्स लेट स्वेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस पास आउट, जो भी ऑयल होता है जिसको हम सीबम कहते हैं वो और पसीना या स्वेट और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी में पैदा होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद वो सारे स्किन के इन पोर्स के थ्रू जो है वो बाहर चले जाते हैं, एक्सपोरिन ग्लैंड से होते हैं वो इनके नीचे होते हैं तो वो इनको एग्जिट करते हैं। दूसरी लेयर है जी मेल्फिगियन लेयर, मेल्फिगियन लेयर इज़ लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस एंड दिस पार्ट डिटरमिन्स द कलर ऑफ आवर स्किन, हमारी स्किन का जो कलर होता है जो भी मतलब जैसे हमारी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वीटिश है या डार्क है, वो इस लेयर से होता है, इसके अंदर एक खास केमिकल होता है जिसको मेलानिन कहते हैं और मेलानिन जो है वो स्किन कलर को डिटरमिन करता है और ज़्यादातर जो है मेलानिन का ताल्लुक हमारी इनहेरिटेंस के साथ होता है, जो जीन्स में हमें कलर मिलता है वो हमारी स्किन का कलर होता है और इसके अलावा द एनवायरनमेंट या जो एटमॉस्फेयर है जिसमें आप रहते हैं वो भी आपकी स्किन के कलर को डिटरमिन करता है, टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट गिव्स राइज टू डार्कर कॉम्प्लेक्शन। तो बहरहाल मेल्फिगियन लेयर जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन। तो तीसरी जो लेयर है वो है जी डर्मिस, दिस इज़ कॉल्ड द स्किन, ये एक्चुअल स्किन है, दिस पार्ट ऑफ द स्किन इज़ मेड ऑफ हार्ड थिक कनेक्टिव टिश्यूज, सिंस द डर्मिस कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रियल स्किन, ये रियल स्किन होती है, इसी में ही जो है ब्लड वेसल्स भी होते हैं और हॉट कोल्ड प्रेशर और पेन को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनको जो के हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, भारी है या हल्की है, पेनफुल है या नहीं है, ये सारा इसमें होता है। और फोर टाइप्स ऑफ नर्व्स आर लोकेटेड, इनके सिर्फ नाम आप समझ लें, एक है फ्री नर्व एंडिंग्स, ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं इनको जब टच करते हैं तो गुदगुदी की सेंसेशन होती है, टिंगलिंग जो होती है। दूसरे हैं जी बास्केट सेल्स, थर्ड आर टेक्टाइल सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड एंड बल्ब्स, जो टेक्टाइल सेल्स और स्पेशलाइज्ड एंड बल्ब हैं इनका तो फंक्शन अभी तक पता ही नहीं चल सका क्लियरली, जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं ये और जो बास्केट सेल्स हैं ये हमें हॉट कोल्ड और टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन देते हैं। और उसके बाद फोर्थ जो है लेयर वो है सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन, दिस लेयर लाइज बीनीथ द रियल स्किन यानी डर्मिस के नीचे आती है, इट कंटेन्स इन्यूमरेबल फैट सेल्स, दीज फैट सेल्स फिट इन द कर्व्स ऑफ बॉडी मेकिंग इट लुक ब्यूटिफुल, तो ये हमारी स्किन को प्लम्प बनाते हैं यानी फिल्ड महसूस होती है और टोन्ड अप लगती है, और फैट सेल्स होते हैं जो कि स्किन के जो गैप्स होते हैं उनके अंदर फिल होकर तो हमारी स्किन को यूथफुल रखते हैं, और एज के साथ साथ जो है ये सबक्यूटेनियस लेयर जो है ये वीक होती है जिसकी वजह से
जो हैं वो सही तौर पर मतलब रिंकल्स आ जाती हैं, स्किन जो है वो यूथफुल और प्लम्प नहीं लगती। तो वजह यही होती है कि जो उनके अंदर जो होता है फैट सेल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जी फंक्शंस ऑफ स्किन क्या हैं, स्किन के तीन बेसिकली फंक्शंस हैं कि ये टेम्परेचर को महसूस करती है, पेन को और प्रेशर को फील कर सकती है, और यही इसकी डिटेल है, इसके आगे आपने नहीं पढ़ना। अब जो है एक सेंसेशन जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, दिस इज़ क्वाइट मच इम्पॉर्टेंट, इसको आप प्लीज़ यहाँ से नोट कर लें, जो मैंने ये मुख्तलिफ जगहों से ली है, विकीपीडिया वगैरह से, इंसाइक्लोपीडिया से इनकी स्लाइड्स, तो उसको आप समझ लें। ये सेंसेशन है जी काइनेस्थेटिक सेंसेशन, ये आपको नज़र आ रही होगी, आपको बुक से नहीं मिलेगी। ये क्या है, द एबिलिटी टू नो एक्यूरेटली द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ वन स्केलेटल जॉइंट्स, जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारा जो स्केलेटन होता है, जब हम चलते हैं तो हमारी हड्डियाँ और जोड़ मूव करते हैं, तो इसको महसूस करने का जो नाम है, जो सेंसेशन है, वो है काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेसिस रिफर्स टू सेंसरी इनपुट दैट अकर्स विद इन द बॉडी, पोस्टरल एंड मूवमेंट इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड वाया सेंसरी सिस्टम बाय टेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ मसल्स इन द बॉडी। जब हम मूव करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसल्स के बगैर मूवमेंट नहीं होती। मसल्स जो है या तो उनमें टेंशन यानी फैलाव पैदा होता है, सिकुड़ाव पैदा होता है, और कंप्रेशन पैदा होती है यानी मूव करते हैं या सिकुड़ते हैं या फैलते हैं। ये इनका सिकुड़ना और फैलना जो है, इसकी इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन को जाती है तो हम अपनी मूवमेंट के बारे में जो जानते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द काइनेस्थेटिक सेंसेशन। मैं एक बार फिर इसको रीड कर रही हूँ, आप इसको लिख लें अपने पास। द एबिलिटी, व्हाट इज़ काइनेस्थेटिक सेंसेशन, द एबिलिटी टू नो एक्यूरेटली द पोजिशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ वन स्केलेटल जॉइंट्स। काइनेस्थेसिस रिफर्स टू सेंसरी इनपुट दैट अकर्स विद इन द बॉडी, पोस्टरल एंड मूवमेंट इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड वाया सेंसरी सिस्टम बाय टेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ मसल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनके फैलने और सिकुड़ने से जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको काइनेस्थेटिक सेंसेशन कहते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन है, काइनेस्थेसिस ऑल्सो रिफर्ड टू एज काइनेस्थीजिया इज द परसेप्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी की जो हरकत हैं उनको समझने का नाम है काइनेस्थीजिया। इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट्स विदाउट रिलाइंग ऑन इन्फॉर्मेशन फ्राम द फाइव सेंसेस, पाँचों सेंसेस की जो इतला है उस पर भरोसा किए बगैर बॉडी की पोजिशन के बारे में समझना। यू आर यूजिंग योर काइनेस्थेटिक सेंस वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन अ फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, डांसिंग, स्विमिंग एंड एनी थिंग दैट रिक्वायर्स बॉडी मूवमेंट। यानी इन तमाम एक्टिविटी जो अब चलने में, भागने में, ड्राइविंग में, डांसिंग में, स्विमिंग में, जो अपनी बॉडी के बारे में आप समझ रहे होते हैं अपनी सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, जुबान और स्किन के बगैर, वो आपकी काइनेस्थेटिक सेंसेशन है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, मसल मूवमेंट, पोस्चर, स्ट्रेन ऑन मसल जॉइंट्स, इक्विलिब्रियम एंड बॉडी पोजिशन इन स्पेस, तवाजुन जो आपका होता है वो काइनेस्थेटिक सेंसेशन होती है। काइनेस्थेटिक सेंस क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट, पोस्चर, ओरिएंटेशन, ये जो है ये काइनेस्थेटिक सेंसेशन होती है। अब उसके बाद एक चीज़ और, द काइनेस्थेटिक सेंस मॉनिटर्स द पोजिशन एंड मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। जो हमारी मसल्स हैं ये हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ जोड़ हैं, जोड़ों के ऊपर मसल्स, ये आपको ऊपर यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला जो एक आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऊपर, ये मसल है। तो जो हमारी मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मूवमेंट है उसको पहचानने का नाम काइनेस्थेटिक सेंसेशन है। थ्रू द सेंस ऑफ काइनेस्थेसिस यू कैन टेल इवन विद द आईज क्लोज्ड वेयर योर आर्म्स आर लोकेटेड। आपकी आंखें बंद भी हों, आप देखना रहे हों, आप बता सकते हैं कि ये मेरा बाजू है, ये मेरा पैर है, ये मेरी टांग है। When you play any sport, when you drive a car, when you move around, you need to know where your limbs are located so you can move them to the right position. तो आपको पता होना चाहिए, ये सारा काम करते हुए आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने अपने बाजुओं से स्टेयरिंग को कैसे दाएं या बाएं मोड़ना है, पाँव से आपने क्लच कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, एक्सेलरेट कैसे करना है।
तो वो देखे बगैर करना होता है, आपकी आंखें नहीं हो सकता आप यूज़ कर रहे होते, तो वो आपकी काइनेस्थेटिक सेंस होती है। तो ये आपको बताती है कि आपके हाथ पैर कहाँ पर हैं ताकि आप उनको प्रॉम्प्टली यूज़ कर सकें। रिसेप्टर्स इन द जॉइंट्स एंड टेंडन्स सेंड द ब्रेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल ऑफ योर लिम्ब्स। हमारी जैसे आपको बताया कि जो नर्व्स हैं वो हर जगह होते हैं, रिसेप्टर जो हैं वो हर जगह होते हैं, तो हमारे मसल्स में भी होते हैं, हमारी बोन्स में भी होते हैं, हमारे जॉइंट्स में भी होते हैं। जब हम मूव करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को जाती है और हम अपने तवाज़ुन होने या ना होने के बारे में जानते हैं, और इस सारे प्रोसेस को काइनेस्थेटिक सेंस कहा जाता है। तो आपको इसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, ये सारी स्लाइड्स जो हैं इसको आप पढ़ लें, नोट कर लें ताकि आप इसको लिख सकें। तो ये जो है ये आपका टॉपिक अब ख़त्म हो गया है, और अभी तक जो है एक सेंसेशन आपकी रह गई है जो कि सेंस ऑफ हियरिंग है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।